जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग भोजपुर एवं जिला प्रशासन के द्वारा 12 जनवरी को वीर कुंवर सिंह रमना मैदान आरा में दिव्यांगजनों को निःशुल्क बैटरी चालित साइकिल का वितरण समारोह आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन मुख्य अतिथि मंत्री मदन सहनी, समाज कल्याण विभाग जिलाधिकारी राजकुमार, उप विकास आयुक्त विक्रम बिरकर सहित कई पदाधिकारियों ने संयुक्त प्रदीप जलाकर किया। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से मदन सहनी मंत्री और डीएम राजकुमार सहनी मंत्री जी को सम्मानित भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में सीधे आप देख रहे हैं कि मदन सहनी जो हैं उनको सम्मानित डीएम राजकुमार कर रहे हैं। आइए देखते हैं सम्मानित करते हुए मंत्री और डीएम राजकुमार ने क्या कहा। बता दें कि जिस काम को अभी हम लोग करने जा रहे हैं, आपके जिलाधिकारी पहले समाज कल्याण विभाग में भी निदेशक रह चुके हैं और इनको अच्छा उस विभाग का अनुभव है, इसलिए सभी विभाग उस विभाग के जितने योजना है उस योजना के बारे में आपको विस्तार से इन्होंने बताया। और जब इस विभाग का जिम्मेवारी हमको मिला था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब इस विभाग का जिम्मेवारी हमें दिया था और मेरे घर पर कुछ दिव्यांगजन भाई आए हुए थे कि हमको मोटर वाला ट्राईसाइकिल चाहिए, तो हमने आपके डीएम साहब को, हो सकता है याद नहीं हो, हमने इनको फोन किया था कि ट्राईसाइकिल देना, लेकिन मोटराइज ट्राईसाइकिल देना। यहाँ पे यूनिवर्सल पेंशन लागू है, यानी कि कोई व्यक्ति जिसको सरकार से कोई अन्य पेंशन नहीं मिलता हो, उसे बिहार सरकार हर महीने उसके खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत पैसा भेजती है पेंशन की। उसके अलावा आप सब इस बात से अवगत हैं कि जो बेसहारा बच्चे हो जाते हैं, जिनके माँ बाप मर जाते हैं, उनके लिए परवरिश योजना है, स्पॉन्सरशिप योजना है, बिहार सरकार द्वारा परवरिश योजना में उनके जो भी गार्जियन जो आस पड़ोसी होते हैं, या तो दादा होते हैं, या चाचा मामा, या कोई भी व्यक्ति जो उन बेसहारा बच्चों को रखता है, उनको 1500 रुपया प्रति बच्चा के हिसाब से दिया जाता है, ताकि वो उस बच्चे का अच्छे शिक्षा से उसका लालन पालन कर सके। इसके अलावा जो कुष्ठ रोगी हैं, उनके लिए भी समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रत्येक माह पेंशन की राशि दी जाती है, जो ग्रेड 2 जिनको डिफॉर्मेटी हो जाती है। उसके अलावा जो दिव्यांगजनों के लिए आप सबको चलिए झंडी नहीं, अक्सर थोड़ा सा साइड में रहेगा।